क्या हुआ? पिंकी गायब है। आपने तो कहा कि वो स्कूल की पिकनिक पे गई। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन निकलने से पहले ही उसकी स्कूल टीचर का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। स्कूल से कॉल आया था, उन्होंने कहा कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जा चुके हैं और कहा कि पिंकी अपने अंकल के साथ चली गई। फिर अंकल को कॉल कीजिए ना। सिंगापुर में हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, पिंकी का कोई अंकल नहीं है। आप रोइए मत, शांत रहिए। देखिए, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी। आपकी एंगेजमेंट हो गई क्या? आपके कारण हमें पनिशमेंट मिल गई, हमारी पिकनिक कैंसिल हो गई। क्यों, आपको नहीं पता आपके दोस्त मुझे यहाँ लाए हैं, बात करेंगे। पिस्ता फ्लेवर तुम्हें बहुत पसंद है ना? बात कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन शिवा, सुना है तुम्हारी सगाई हो रही है। एक छोटा सा चैलेंज जीतने के लिए इतनी बड़ी रिस्क ले ली तुमने। वैसे भी मुझे क्या करना है वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुमने सारे लोगों को वहां इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन इस छोटी सी बच्ची को भूल गए। बाहर झांक कर देखो। वो देख पिंकी। अब जरा ऊपर की तरफ। अगले 30 सेकंड्स में जब स्विच है पर टच करेगी तो 4 टन का बोझ सीधे नीचे आएगा। सिर्फ पिंकी ही नहीं, 5 मीटर के दायरे में जो भी जिंदा इंसान होगा वो बच नहीं पाएगा। शिवा, क्रेन हिल रही है। हादसा बहुत दर्दनाक होगा ना? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बचपन का खेल नहीं है। गुड बाय शिवा, तुम हार गए। मैं जीत गया। कुछ कर, क्रेन हिल रही है। मुझसे 100 कदम आगे हो तो इतनी कच्ची चाल कैसे चल गए? कुछ 230 करीबी लोग हैं मेरे, जानता था तुम उनमें से किसी एक को आराम से पकड़ लोगे, इसीलिए तुम्हारे किसी करीबी को मैंने पकड़ा है। मेरे ना कोई आगे ना पीछे, कोई रोने वाला नहीं है, नो इमोशंस। ये झूठ दुनिया को बताना राजीव। जब फ्लाइट से आए तो अलग अलग टिकट खरीदे, अलग अलग सीट पर बैठे, होटल में मिले तो ऐसे दिखाया जैसे कोइंसिडेंस था। तुम उसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हो ना, पर ऐसा हुआ नहीं। वाओ, ओ हाय। अनीशा राजीव तुम्हारी पत्नी है, उसके पेट में जो बच्चा है वो भी तुम्हारा है। अगर उन दोनों जिंदा देखना है तो पिंकी को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। स्टॉप द क्रेन, stop the crane, stop the crane, stop it, stop it, stop it! लेकिन अनीशा का नाम सुनते ही इतने इमोशनल हो गए? तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है अनीशा कहाँ है। तुम्हें लगा मेरे करीबी लोगों को मारने का चैलेंज दोगे और मैं सिर्फ दुकान में बैठकर सामान पैक करूंगा? तुम्हें पता था पुलिस आ रही है, फिर भी तुम वहीं रुके रहे और उन्हें तुम्हें पकड़ने दिया। तुम्हें पता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। जब मुझे पता है कि कोई मेरा दुश्मन है तो मुझे पता करना होता है कि वो कौन है। बैठ जाओ। जैसा मैंने सोचा था वो कोई स्मार्ट पुलिस वाला तो नहीं है, एक पुराना दुश्मन है। आज रात तुम यहां से निकल जाओ अनीशा। यह है तुम्हारे फ्लाइट टिकट्स और तुम्हारे लिए नया पासपोर्ट। नहीं राजीव, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं अनीशा, इस वक्त मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता है ना कि अगर कुछ खास बात होगी तभी तो मैं इतना बोल रहा हूँ। हमेशा की तरह जब तक हम फिर से ना मिले एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। कौन है? कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स मैम। राजीव ने कहा कोई पुरानी दुश्मनी है, तभी मैं समझ गई थी। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम्हारा और राजीव का क्या रिश्ता है? वो नहीं चाहता कि किसी भी जिंदा इंसान को ये बात पता चले।
मेरी चेतावनी मरते दम तक याद रखना। ये रखो पूरे साल की स्कूल फीस। नहीं राजीव, अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो। अनीशा, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पैसा मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेरे अंकल पूछेंगे कि फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से आए तो मैं क्या कहूँगी। कुछ भी कह देना, तुम्हारी फ्रेंड ने दिए या तुमने किसी कॉम्पिटिशन में जीते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक्स। ए राजीव, वहाँ क्या कर रहा है? बारिश होने वाली है, चल चलते हैं। अच्छा अब तुम जाओ, अंकल मिलेंगे। ठीक है। वो बेचारी बिल्कुल अकेली है, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा था। इस खेल का दांव 50,000 होगा। मामा। अरे बेटा तुम जल्दी आ गई। जाओ 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 जाओ, तुम्हारे लिए कॉफी रखी है। ए, क्या है? हाँ? नजर पत्तों पर रख। फिर से पीटर जीत गया। है ठंडा हो जा तू। अब क्या बोलता है? हे पीटर, तेरा उधार अब 2.5 लाख हो गया है। अगर मेरा पैसा 2 दिन के अंदर नहीं मिला तो सोच लेना। हे चलो रे पीटर, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची और तुम उन लोगों के साथ जुआ खेलते हो। अगर तुमने पैसे वापस नहीं किया तो वे तुम्हें मार डालेंगे। कमलेश भाई के साथ उन्होंने क्या किया तुम भूल गए क्या? देखो विनोद, पिछले साल तक मैं जीत रहा था ना। हाँ, 3 महीने से जरा मेरा बैड लक चल रहा है। विनोद बस एक दाव खेलने दो ना, बस एक दाव में सब जीत लूंगा। खेलने के लिए बचा क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारी हालत वो अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वो खेलने क्यों आएंगे? विनोद, उन्हें सिर्फ एक बार खेलने के लिए बुला। देख कल 4 तारीख है, 4 मेरा लकी नंबर है। पर पीटर, सारा नुकसान कवर हो जाएगा। छोटा दांव खेलोगे तो हारे हुए पैसे नहीं जीत पाओगे, अगर बड़ा दांव खेलोगे तो शायद कुछ फायदा हो जाए। हाँ। दोनों की नजर तुम्हारी भांजी पे है, कहो तो कल उन्हें बुला लेता हूँ। ज़बान खींच लूँगा। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। तुम्हें खुद की जीत पे भरोसा है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम बस अपनी भांजी को मना लो तो वो खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अरे वो छोटी बच्ची है। ठीक है फिर, रहने दो, मैं चलता हूँ। आप ऐसे लोगों को अपने घर में क्यों बुलाते हैं मामा? ए, चुप रहो। वो मेरे बारे में क्या क्या कह रहा था और आप चुपचाप सुन रहे थे? आपको जुआ खेलने की इतनी आदत लग चुकी है। ए, चुप करो, यहाँ आओ। ए, आओ ना, मुझ पर भरोसा रखो, आओ बैठो। देखो इसमें रोने जैसा कुछ नहीं है। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। पिछले 10 सालों से मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा है कि नहीं? हा? तुम्हारी स्कूल की फीस भरी, तुम्हारे लिए नया यूनिफॉर्म खरीदा, नया हेयर ड्रायर खरीदा और स्कूल बैग, जूते, परफ्यूम, ये सब नहीं लाया क्या? लेकिन पिछले 3 महीनों से मेरा बैड लक चल रहा है। 1 महीने आप मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, लेकिन अगले ही महीने मेरी स्कूल की फीस भी नहीं दे पाते। मामा ऐसा मत कीजिए, आपकी इस जुए की आदत से अब मुझे डर लगने लगा है। डरने की कोई बात नहीं, तुम तो अब लोगों की तरह बोलने लगी हो। ये सिर्फ एक खेल है, इट्स मैथमेटिक्स। जिसे मैथमेटिक्स समझ में आता है वही जीतता है, और जिसे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता वो लोग इसे जुआ कहते हैं। देखो ना, अभी अभी हमने जो गेम खेला था ना अभी यहाँ पर, इसमें अगर ये वाला पत्ता नहीं निकलता तो पता है क्या होता है? सारा पैसा मैं जीत जाता, फिर तुम्हें राजकुमारी की तरह रखता। हाँ, पर कल मैं ही जीतूंगा कल। हाँ, देख लेना। अब तो वो लोग घर पर ही जुआ खेलने लग गए। तुम अपनी क्लास में जाओ, ये मुझ पर छोड़ दो। मुझे घर जाने से बहुत डर लगता है राजीव। मत रो अनीशा। देखिए ना मामा, मैंने सारा घर साफ करके रख। क्या हुआ मामा? तुम्हारे मामा का बहुत बुरा वक्त चल रहा है बेटा। 52 पत्तों में से जो एक पत्ता मैं नहीं चाहता था, वही पत्ता बार 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 आ रहा था। बस एक बार अपने मामा की जान बचा लो बेटा। पीटर, क्या कर रहे हो तुम? इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? ये कोई छोटी बच्ची है क्या? हाँ, जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे माफ कर दे। दरवाजा बंद कर दे। घबराओ नहीं अनिशा, अरे कुछ नहीं होगा। प्लीज दूर रहिए मुझसे। हे, देख तो कौन है। छोड़ दो मुझे। कौन है तू? अनिशा है क्या? मैं उसे ले जाने आया हूँ। क्या कहा, ले जाने आया है?
तू कौन होता है? अरे शांत हो जाओ। प्लीज मुझे हाथ लगा। कौन है तू? हाथ लगा उसे। क्या बोला? हाथ लगा के दिखा, छू कर दिखा। ए संतोष, मैं इसे पैसे देकर तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारे अंकल ने सारी हदें पार। क्या कर रहा है? बताओ निशा, मार डालू क्या इसे? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? जरा सोच के देख। ए लड़के, मार डालू इसे। मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो तो मेरा बैड लक चल रहा था ना, इसलिए मैंने इसे दाव पर लगा दिया। अब जब मैं जीत जाऊंगा मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुम नहीं रखोगे? बताओ इसे, बताओ इसे बेटा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। देखो, इसके बाद हम मुंबई आ गए, वहां से कोलकाता और फिर दुबई। हमने बहुत सारा पैसा कमाया। तुमने न्यूज में उन चोरियों और मर्डर्स के बारे में सुना भी होगा। उनमें से काफी मर्डर्स में हमारा ही हाथ था, लेकिन कुछ समय बाद हमने ये सब कुछ बंद कर दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ए, क्या कर रहे हो? स्टॉप इट, बैठो। हमें एक बड़ा असाइनमेंट मिला है, बहुत बड़ा असाइनमेंट। अनीशा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो, मैंने ये सब छोड़ने का फैसला किया था। देखो, इतने सालों से मुझे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। बस एक आखिरी बार सोचो कि तुम ये अंकिता के लिए कर रहे हो। ये मैं आशीष के लिए करूंगा। ये सिंगापुर वाला मिशन राजीव का आखिरी मिशन है, लेकिन ये उसकी पहली नाकामयाबी भी है। जब से उसे पता चला है कि तुम उसके पीछे हो, तब से वो तुम्हें खत्म करने के बारे में सोच रहा है। और अब तो तुम मुझे भी चाकू दिखाकर धमका रहे हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तो बस यही जानना था कि राजीव तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता है।